हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो चलिए आज हम बनाते हैं दही बड़े, जो कि बहुत ही सिंपल और बेसिक वे है। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक उड़द की दाल को ओवरनाइट भिगो के रख दिया था, वही कम से कम समझ लीजिए आप 7-8 घंटे के लिए भिगोया था। और फिर इसको मैंने सुबह सुबह वॉश कर लिया अच्छे से, और इसको मिक्सर में एक फाइन पेस्ट बना लिया इसका। इसको थोड़ा सा इसमें पानी डाल के पीस लेंगे, नहीं तो फिर क्या होता है ना कि बिना पानी डालने से वो अच्छे से नहीं स्मूथ बैटर बन पाता है, इसलिए पानी डाल के पीस देंगे। फिर इसके बाद इसमें डालने की बारी आती है मसालों की। मसालों में मैंने डाला है जीरा, लौंग, छोटी इलायची और आदि। इन सबको अच्छे से पीस लिया है। और फिर इसको डाला है मैंने इस वाले जो उड़द की दाल का पेस्ट बनाया था उसमें। फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाला है। नमक बहुत सारे लोग इसमें नहीं डालते हैं, डायरेक्ट सिर्फ माठा में वही डालते हैं, तो ये कंपलसरी नहीं है कि आप इसमें डालें। इसमें डालते हैं तो माठा में थोड़ा नमक कम डालेंगे, और अगर इसमें नहीं डालते हैं तो फिर माठा में ही ज़्यादा डालेंगे। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मसालों को वो उड़द की दाल वाले पेस्ट के साथ। और फिर इसको चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में। फ्राई करने के लिए क्या किया कि मैंने सबसे पहले तेल गरम किया है। इसके लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। आपको अपना कोई भी जो भी ऑयल यूज़ करते हो फ्राई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जनरली पकौड़ों फ्राई के लिए मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करते हैं लोग। और फिर इसको छोटा छोटा शेप में आप जैसे भी शेप डाल सकते हैं। यहाँ पे तेल पूरा गर्म हो गया था, ज़्यादा गर्म नहीं रखेंगे तेल, नहीं तो एक ही बार में वो जल जाते हैं तो अच्छा टेस्ट नहीं आता है। और फिर इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर करके दोनों ओर अच्छे से इसको पका लेंगे पकौड़ों को। और ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, अभी तक ये पके नहीं है पूरे तरह से। थोड़ा देर लगता है इनको, वही 5-7 मिनट लगेगा पकाने में आपको, और उतना में पक जाएंगे ये मीडियम फ्लेम पर। एकदम हाई फ्लेम पर मत पकाइएगा इसे। और यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरे पक गए हैं। और फिर इसको चलते हैं हम माठा के प्रोसेस में। जब ये पूरी तरह से पक जाए तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और इसको आप एक लेके तोड़ के देख लेंगे कि यह पक गया है कि नहीं पक गया है। अभी मैंने एक तोड़ के देख लिया था बाहर कि हाँ ये पूरी तरह से अंदर से पक चुका है, तो इसको निकाल देंगे। अब चलते हैं माठा बनाने के प्रोसेस में। माठा के लिए मैंने सब रात भर के लिए दही जमा के रखा था। आप दही होममेड भी ले सकते हो या फिर डायरेक्ट बाहर से भी दही ले सकते हो। दही को अच्छे से पेस्ट लेंगे, जिससे कि इसका एक एकदम फाइन पेस्ट जैसा बन जाएगा। और फिर इसमें डालते हैं मसाले। दही वाले में मसाले में डालने में कुछ नहीं है, मैं सिर्फ जीरा, भुना हुआ जीरा को पीस लेती हूँ और वो डालते हैं। और फिर उसमें काला नमक और नमक यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हमारा नमक पहले से ही पड़ चुका है बड़े में। जब आप बड़े में नहीं डालते होंगे तो उसके अनुसार आप इसमें डालिएगा, लेकिन मैंने डाल दिया है इसलिए काला नमक और नमक मैं हिसाब से डाल दी हूँ। और फिर ये जीरा, इसमें भुना हुआ जीरा डालना ज़्यादा अच्छा होता है, मेरे घर में ज़्यादा यूज़ होता है, आप अपने टेस्ट के अनुसार यूज़ कर लेना। और फिर इसमें अगर आप मीठा वाला खाना चाहते हो तो इसमें थोड़ा सा मीठा भी डाल सकते हो, बट हम लोग मीठा वाला नहीं बनाए हैं इसलिए मीठा नहीं डाले हैं। फिर थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिए, उसे देखने में भी अच्छा लगता है थोड़ा। और फिर इसके बाद जो दही बड़े को मैंने बड़े फ्राई करके रखे थे उसको थोड़ा सा गर्म पानी में डाल देंगे। गर्म पानी में डाल देने से क्या होता है, जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा उसका वो गर्म पानी में निकल जाएगा, और फिर ये थोड़ा स्मूथ भी हो जाते हैं। गर्म पानी में डाले उसका सब कुछ एक्स्ट्रा ऑयल और ये सब निकल गया, फिर उसमें से गर्म पानी से निकाले और फिर डाल दिए इसको जो माठा वाला पेस्ट बनाया था उसमें। और यहाँ पे इसी तरह करके मैंने सारे बड़े फ्राई करके गर्म पानी में डाला और फिर इसमें डाला, ऐसे करके देखिए मेरे एकदम अच्छे से बन गया। फिर इसके ऊपर से भी आप डेकोरेशन के तौर पर और डाल सकते हैं मिर्चा, कश्मीरी लाल मिर्चा और भुना हुआ जीरा। बस यहाँ पे हमारा तैयार। इस तरह से आप एक बार बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी है।